हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगेन तुम्हारे भाई के पास काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, तो स्टार्ट करते हैं कर्मा से। सो आप सबको मैंने बताया था कि कर्मा ने अपने फ्री स्टाइल के अंदर एग्जी के साथ साथ लोका के ऊपर भी शॉर्ट्स लिए थे। तो इसी पे जो लोका के मैनेजर है जैन, वो एक स्टोरी शेयर करते हैं। 5 steps to be Kamra, ट्रैश टॉक ऑनलाइन, हाइड योर फेस एंड रूम अराउंड द सिटी, 24/7 पैरानॉइड, 99% लेजर चांस टू करियर ग्रोथ इफ नो पोकिंग और डिसिंग इन एवरी रिलीज, नो बिजनेस एथिक्स फॉर पीपल वर्किंग विथ हिम, वी नो वेयर यू हैव डैश अप थिंग्स। साथ ही अगली स्टोरी में वो कर्मा को इनविटेशन देते हैं बॉक्सिंग मैच के लिए। वो लिखते हैं, हे कमरा, सिंस यू लाइक टू ट्रैश टॉक सो मच ऑनलाइन, लेट्स टेक इट टू द रियल वर्ल्ड, बॉक्सिंग MMA विद लोका, ट्रेन फॉर 3 months, विल मेक यू अ नाइस बिजनेस मॉडल टू, यू विल गेट पेड इवन यू लूज विच यू विल, बट यू विल नेवर दिस एक्सेप्ट रियल लाइफ डील, ओपन इन्विटेशन टू बिकम अ मैन ऑफ योर वर्ल्ड और एटलीस्ट ट्राई टू। आई डोंट नो क्या चल रहा है, बट लोका एक तरफ पब्लिक को कुछ गहरा देने की बात कर रहे हैं एंड वहीं से हम लोका के मैनेजर की तरफ से कर्मा को चैलेंज मिला है लोका के साथ एक बॉक्सिंग का। सो इन सब के ऊपर आप सबकी क्या राय है, ये मुझे नीचे कमेंट्स में लिखे बताएगा। सो अगली अपडेट कृष्णा की साइड से। लेकिन उससे पहले, अगर आप में से कोई इस चैनल पे पहली बार आया है या मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहा है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हिप हॉप से रिलेटेड डेली अपडेट्स आपको इसी चैनल के अंदर मिलती रहती है। सो कल कृष्णा का मुंबई में एक फैन कॉन्सर्ट था, जिस कॉन्सर्ट के अंदर कृष्णा ने जूदा जापानी, साथ ही एमवीपी के लिए जो डिश था लिल बंटी, वो भी परफॉर्म किया था। सो इन सबकी छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ। साथ ही नैज म्यूजिक का एक नया पॉडकास्ट आउट हुआ है, जिस पॉडकास्ट के अंदर उनसे एमवीपी और कृष्णा के साथ कोलैब के बारे में पूछा जाता है, तो उसमें वो क्या बोलते हैं आप लोग देख लो। कृष्णा और एमवीपी अगर कोलैब करना हो तो किसके साथ करोगे? भाई दोनों क्या करेंगे, दोनों का वाइब अपने पर। आप टू चूज वन, चूज वन। पता नहीं ब्रो, मेरा टू बी वेरी ऑनेस्ट जो गाना अच्छा रहेगा, लाइक अगर एमवीपी ने गाना भेजा, कृष्णा ने भेजा, समझो एक सिचुएशन बता रहा, ऐसा होगा नहीं दोनों एक साथ भेजेंगे, लेकिन बता रहा दोनों ने एक साथ गाना भेजा है एंड मेरे हाथ में किस पे करना है, तो अगर जो गाना अच्छा रहेगा उस पर मैं करूंगा। अगर एमवीपी का गाना ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को तो उसमें जाऊंगा, वरना कृष्णा। सो ये तो है, क्योंकि दोनों मेरे लिए एक अच्छे आर्टिस्ट है, उनका जो भी आपस में अपने को उससे लेना देना नहीं है, बाकी सही है। और भी उन्होंने काफी सारी चीजों के ऊपर बात की है कि एमसी स्टैन को उन्होंने क्यों डिस किया, और उन्होंने अपनी साइड से सब कुछ क्लियर कर दिया है। सो फुल पॉडकास्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग चेक कर सकते हो। कुल्लर जी का सॉन्ग हूँ वो स्पॉटिफाई वायरल सॉन्ग्स इंडिया के चार्ट्स में 4th नंबर पे है। यंग गाली की तरफ से उनका नया सॉन्ग दोस्ती, हैलेक की तरफ से भी उनका नया सॉन्ग चलती है, वो भी आउट हो चुका है। तो इन सभी के लिंक आप लोग को पता ही है कि कहाँ पे होती है। सो अभी के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी काफी जल्दी मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय।